दोस्तों बिग बॉस के घर के अंदर विवियन डिसेना को नहीं करणवीर को चुनते हुए नजर आई है चाहत पांडे, लेकिन जो यहाँ पर वो वजह बताई है वो वाकई में यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको सुनने के बाद बाकी लोग भी हैरान रहते हुए नजर आए। ऐसा तो क्या बोल दिया है, बताते हैं पूरी खबर। छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में बताना है कि आपका क्या इस पर ओपिनियन है, आप क्या कहना चाहते हो। दरअसल दोस्तों यहाँ पर चाहत पांडे ने विवियन डिसेना को लेकर के क्या कुछ कहा। दरअसल घर के अंदर जो आज कुछ भी खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वीकेंड कब आएगा दोस्तों, उधर शूट स्टार्ट है, मेरे पास कुछ अपडेट्स आई हुई है बट वो कंफर्म जब तक नहीं होगी मैं बताना नहीं चाहता हूं। जब तक मेरे पास कंफर्म न्यूज नहीं आएगी मैं तभी बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑथेंटिक लगता है, वरना बकवास ऐसा फील होता है भाई मेरे को कि यहाँ पर प्रेडिक्शन के मामले में कर ले। हालांकि आप लोग मुझे प्रेडिक्शन करके बता सकते हैं कि आपके हिसाब से किसकी सबसे ज्यादा क्लास लगेगी। फिलहाल मैं आपको अपडेट देता हूँ कि घर के अंदर हो क्या रहा है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर जो है घर वाले जो है वो बोर हो रहे हैं तो बोलते हुए नजर आए कि यार कुछ गेम खेलते हैं, और तरह तरह के गेम सुबह से खेलते हुए नजर आ रहे हैं दो सबके सब घर वाले। जहाँ पर पहले एक्टिंग वाला हुआ, फिर यहाँ पर चेंजेस दो लोगों के बीच में क्या क्या नजर आ रहे हैं वो वाला हुआ, और फिर आखिरकार यहाँ पे एक गेम आया जहां पर आपने देखा होगा दिस और दैट करके एक गेम आता है, जहां पर दो ऑप्शन दिए जाते हैं और आपको एक चूज करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर विवियन या फिर श्रुतिका, तो आप लोग किसको चुनोगे, विवियन या फिर चाहत, तो आप लोग किसको चुनोगे। चलो मैं भी एक गेम खेलता हूँ आपके साथ, आप भी इनमें से चूज करके बताओ, विवियन या फिर चाहत। दरअसल दोस्तों लेकिन गेम के अंदर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर चाहत बैठी भी रहती है और चाहत पहले इनिशियली मना करती है गेम को लेकर के, लेकिन फिर वो मान जाती है गेम खेलने के लिए। जब वो मानती है तो उसका टर्न आता है, और टर्न आता है तो फिर यहाँ पर सवाल भी तो मुश्किल होंगे, और सवाल पूछ भी कौन रहा है श्रुतिका, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ड्रामा चाहिए होता है। हालांकि श्रुतिका बिल्कुल भी इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेकर नहीं जाती है, श्रुतिका अभी तक ट्राई कर रही है कि वो काफ़ी पॉजिटिव रहे, और अभी तक वो पॉजिटिव नजर भी आ रही है, कहीं ना कहीं लोगों को भी पसंद आ रही है। मैंने देखा है पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का, श्रुतिका को लोग पसंद कर रहे हैं इस सीजन में, जो कि अच्छी बात है दोस्तों। चुम भी ये गेम को खेल रही थी और काफ़ी स्ट्रांगली, और जो ओपिनियटेड है वो चुम दोस्तों, वो अगर और खुलती है दोस्तों तो मज़ा ही आ जाएगा दोस्तों, लिटरली मज़ा आएगा चुम को देखने में। क्योंकि मैंने देखा पूरा गेम को देखा, मेरी थोड़ी तबियत खराब नहीं इसलिए मैं आराम से बैठ के देख रहा था लाइव फीड को, और अपडेट कम दे रहा था तो मैंने देखा एक एक पॉइंट को नोट किया है दोस्तों कि यहाँ पर जो है लोग बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ओपिनियटेड हैं, और उसमें से यहाँ पर चुम है जो कि बहुत स्ट्रांगली ओपिनियटेड है, और जिसको लेकर कि वो जो बोलती है जो सोचती है वही बोलती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी यहाँ पर चाहत भी वही करते हुए नजर आए, करणवीर और उनको विवियन में ऑप्शन दिया गया तो उन्होंने करणवीर को चुना, और करणवीर को चुनते हुए बोलते हुए नजर आए कि वो मुझे ये ठीक लगते हैं, विवियन से मेरी बॉन्डिंग बात ही नहीं हो रही, बट करणवीर मुझे अपने कन्वर्सेशन में इंक्लूड करते हैं इधर उधर। बट अभी चाहत को क्या पता कि विवियन भी उनको कन्वर्सेशन में इंक्लूड कर रहे हैं, ना सिर्फ कन्वर्सेशन में इंक्लूड कर रहे हैं बल्कि उनकी पीठ के पीछे उनकी तारीफ भी हो रही है, इंटरटेनमेंट बोलते हुए नजर आए उसको, ये बोलते हुए नजर आए कि भाई उसके बिना तो यहाँ पर ड्रामा ही नहीं है, इंटरटेनमेंट ही नहीं है बिग बॉस 18 के घर के अंदर, तो ये सारी चीजें बोलते हुए तो विवियन भी नजर आ रहे हैं। अभी तक ये बात चाहत को नहीं मालूम है, लेकिन जैसे ही वो बात मालूम चलेगी दोनों के बीच में एक और अच्छी बॉन्डिंग, प्यारी बॉन्डिंग देखने को मिलते हुए नजर आएगी दोस्तों। कहीं ना कहीं अभी बॉन्ड और गेम दोस्तों दोनों ही स्ट्रांग होगा, और आगे आने वाले टाइम में आप किसको चाहते हो, कौन कंटेस्टेंट और भी निखर के बाहर आए, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें।